उत्तर प्रदेश कृषक बिजली बिल माफी योजना 2024 चल रही है। 30 जून को जो इसके आवेदन हैं उनकी अंतिम तिथि है 30 जून 2024। तो कौन इसके लिए पात्र है, किस तरीके से आप 80%, 90% और 100% तक बिजली का बिल माफ आपका हो सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है। UPPCL की ये वेबसाइट है, इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफी योजना 2024। तो कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन इसके लिए पात्र है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, इस योजना की फुल डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों प्लीज वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, साथ ही साथ मेरे चैनल टेक्निकल जीएम को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर लेना, ताकि घर बैठे आपको उत्तर प्रदेश, भारत सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट संस्थानों की तमाम नई नई योजनाओं की जानकारी घर बैठे मिलती रहे और आप उनका लाभ उठाते रहे। वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यानी कि UPPCL की वेबसाइट में आना। जैसे आप इसकी वेबसाइट में आओगे तो देखिए सामने ही आपको ये पहले ही पेज पर लिखा हुआ मिलेगा, उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल बिजली बिल माफी योजना का पंजीकरण। आपको यहां पर पंजीकरण करना, दूसरे नंबर पर लिखा है उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिजली बिल माफी योजना की सूचना। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो PDF के रूप में जो है इसकी जितनी भी डिटेल है वह आपको शो हो जाएगी। मैं भी आपको करके दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको नीचे ले चलता हूं, यहां मैं आपको इनके टोल फ्री नंबर दिखाऊंगा। देखिए ये टोल फ्री नंबर है, आप ज्यादा जानकारी के लिए इन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी डिटेल में लेने के लिए आप अपने नजदीकी जो बिजली घर है उस पर इस योजना की जानकारी। जैसे ही तीसरे नंबर वाली पट्टी पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये PDF डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, तो मैंने PDF डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए PDF डाउनलोड हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी, तो ये PDF है, आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी इस PDF के माध्यम से ले सकते हैं। ये जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये डाउनलोड हो गई है और आप देखिए इस योजना की जो तारीख थी, जो योजना शुरू हुई थी 7 मार्च 2024 को शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से यह सूचना निकाली गई थी, इनकी वेबसाइट के माध्यम से, तमाम बिजली घरों के माध्यम से यह योजना निकाली गई थी और इसकी सूचना प्रदान की गई थी। तो इसकी क्या कंडीशन है वह आप जान लीजिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश कृषक बिजली बिल माफी योजना 2024 की सूचना मैं आपको बता रहा हूं, 7 मार्च 2024 को ये निकली थी और आप इसकी डिटेल जान सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2024 से निजी नलकूपों उपभोक्ताओं को निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाएगी। यह योजना टैरिफ कैटेगरी हेतु लागू होगी। उक्त योजना का लाभ पाने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित अनुज्ञप्ति के पोर्टल पर आवेदन करते हुए निम्न बिंदुओं पर आप अपनी सहमति सूचना देकर पंजीकरण आपको करना होगा। पंजीकरण कहाँ करना है, जो मैं अभी इसमें PDF डाउनलोड मैंने की है उससे पहले आप देख सकते हैं कि पहले पेज पर पंजीकरण लिखे पंजीकरण करें लिखा आ रहा था, तो वहां पर आपको जो है पंजीकरण करना। संयोजक पर मीटर स्थापित किया जाएगा। उक्त संयोजन के संक्षेप दिनांक 31 मार्च 2023 तक के संपूर्ण बकायों का भुगतान योजना में दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार किया जाएगा और उक्त संयोजन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग पर उपकरण में मात्र 1 LED बल्ब और 1 पंखा अनुमान्य होगा। यानी कि जो आपकी ट्यूबवेल है वहां पर आप 1 पंखा और 1 LED उस मोटर के साथ साथ, जो मोटर पानी निकालने की चलती है उसके साथ साथ, इन दो चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। 3 तरह से आप इस अपने जो बिजली का बिल है उसका जो आप भुगतान कर सकते हो, तो आपको 100%, 80%, 90% तक छूट दी जाएगी। आप इसकी ज्यादा जानकारी खुद पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा जानकारी बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस PDF को खुद पढ़ लीजिए डाउनलोड करके। ये देखिए 5वें नंबर पर लिखा हुआ है, योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने हेतु दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है। दिनांक 30 जून 2024 के उपरांत ऐसे उपभोक्ताओं जिनका 31 मार्च 2023 तक बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी कि 30 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आप इसमें पंजीकरण जरूर करवा लीजिए।
आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना के लिए पात्र कौन है? तो इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 1 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक के बकाए का पूर्ण भुगतान जिन्होंने कर दिया है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ब्याज और विलंब अधिकार की गणना दिनांक 31/3/2023 तक के कुल बकाए पर की जाएगी। उक्त हेतु उपभोक्ता अपना पंजीकरण UPPCL की वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं जिस पर छूट संबंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभाग खंड उपखंड कार्यालय विभाग कैश काउंटर अथवा जनसेवा केंद्र में जाकर भी छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं व पंजीकरण करा सकते हैं। उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिनांक 31/3/2023 तक के कुल बकाए की 30% धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरांत ही उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण उनका माना जाएगा। पंजीकरण के समय आपको 3 विकल्प प्रदान किए जाएंगे। यदि उपभोक्ता समस्त जो भी उसका बिल बकाया है उसको एक बार में जमा करता है तो उसको 100% ब्याज पर 100% छूट दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन, बकाए को 3 किस्तों में जमा करते हो यानी कि 3 मासिक किस्तों में आप जमा करते हो अपने समस्त बकाए को तो 90% तक आपके ब्याज पर छूट दी जाएगी। चौथा ऑप्शन है, यदि उपभोक्ता समस्त बकाए का भुगतान 6 मासिक किस्तों में करता है उसका यदि वह ये वाला विकल्प चुनता है तो 80% तक ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो से जरा भी आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं एक नई सरकारी योजना के साथ।